डॉक्टर प्रणवीर चौहान की 5वीं पुण्यतिथि पर उनका स्मृति समारोह संजय प्लेस के यूथ हॉस्टल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर आदर्श नंदन गुप्ता व तनु गुप्ता द्वारा संपादित उनके स्मृति ग्रंथ का विमोचन विख्यात कवि सोम ठाकुर व अन्य साहित्यकारों ने किया। अध्यक्षता करते हुए सोम ने कहा कि डॉक्टर प्रणवीर ने जिस साहित्य का सृजन किया वह नई पीढ़ी के लिए सदैव स्मरणीय रहेगा। साहित्यकार, कवि और पत्रकार डॉक्टर प्रणवीर चौहान ने अपने साहित्य से आगरा के गौरव में वृद्धि की। इस शहर के गौरव को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिस साहित्य का सृजन किया उसे युगों युगों तक याद किया जाएगा। डॉक्टर प्रणवीर चौहान की 5वीं पुण्यतिथि पर उनका स्मृति समारोह संजय प्लेस के यूथ हॉस्टल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर आदर्श नंदन गुप्ता व तनु गुप्ता द्वारा संपादित उनके स्मृति ग्रंथ का विमोचन विख्यात कवि सोम ठाकुर व अन्य साहित्यकारों ने किया। अध्यक्षता करते हुए सोम ने कहा कि डॉक्टर प्रणवीर ने जिस साहित्य का सृजन किया वह नई पीढ़ी के लिए सदैव स्मरणीय रहेगा। मुख्य अतिथि इतिहासकार प्रोफेसर सुगम आनंद ने कहा कि वे प्रयास करेंगे कि विश्वविद्यालय में डॉक्टर प्रणवीर के साहित्य को सुरक्षित किया जाए। उनकी अलमारियों पर डॉक्टर प्रणवीर का नाम अंकित रहेगा। संस्कृत मनीषी राज बहादुर राज ने कहा कि डॉक्टर प्रणवीर ने उदयन शर्मा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित करीब 32 पुस्तक मालाओं का संपादन करके आगरा की लोक संस्कृति और परंपराओं को जन जन तक पहुंचाया। लीडर्स आगरा के महामंत्री सुनील जैन ने घोषणा की कि डॉक्टर प्रणवीर चौहान के नाम पर प्रतिवर्ष एक विभूति को लीडर सम्मान प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी ने कहा कि प्रणवीर ने स्वयं तो साहित्य सृजन किया ही, नई पीढ़ी को साहित्य से जोड़ने का प्रयास किया, उन्हें पुस्तक माला की श्रृंखला में पुस्तक लिखने को प्रेरित किया। इसे स्मृति ग्रंथ में करीब 75 से अधिक लेखों को हमने शामिल किया है। उनकी रचनाएँ, लेखें, उनकी संस्मरणाएँ, बड़ा अद्भुत ग्रंथ प्रकाशित हुआ है लोगों की दृष्टि में। और हम ये प्रयास करेंगे कि यह परंपरा कायम रहे और आगे भी अन्य देश शहर के जानी मानी हस्तियों की स्मृति में प्रकाशित किए जाएँ और जो विभूतियाँ हैं उनके अभिन्न ग्रंथों का प्रकाशित हो। जितनी भी जानकारियाँ हो सकती थी अधिक से अधिक वो अपने लेखन के रूप में, पत्र पत्रिकाओं के रूप में या अभिनंदन ग्रंथों के रूप में जो सजोने का कार्य किया है तो वो सब तक पहुँचे। तो इस इसी भावना को लेकर के और मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि मैं ठीक है उनकी पुत्री हूँ, उन्होंने हमारे जीवन को संवारा है, हमेशा साथ खड़े रहे हैं, तो आज वो नहीं है तो किसी ना किसी रूप में उनकी जो स्मृतियाँ हैं उनको अक्षुण बनाए हम और हम अपनी श्रद्धांजलि उन्हें, क्योंकि साहित्य साधक थे, तो इसी रूप में प्रेषित करें। इसी उद्देश्य को लेकर के ये समारोह आयोजित किया और एक स्मृति ग्रंथ का प्रकाशन भी किया भी निकाली थी, जिसमें संक्षिप्त परिचय के साथ आगरा के संपूर्ण रचनाकारों को का उल्लेख कलमबद्ध किया था। और एक लंबे समय तक, क्योंकि रही तो उनके और भी थे, जैसे वो होम्योपैथी का एक चिकित्सालय बहुत लंबे समय से समाज सेवा कर रहे थे, लेकिन उनकी मुख्य भूमिका जो रही वो रही लोगों में साहित्य के प्रति चेतना पैदा करना, उन्हें सहयोग करना। और कहना नहीं चाहिए कि बहुत सारे लोग उनके साथ बैठ उठ करके एक बहुत अच्छे कार रचनाकार के रूप में, कवि के रूप में, लेखक के रूप में, कहानीकार के रूप में यहाँ स्थापित हुए। तो आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं। एक लंबा समय मैंने उनके साथ गुजारा है पारिवारिक सदस्य की हैसियत से, और आज भी उस परिवार से मेरा संबंध वैसे ही है जैसे हम दादा। वरिष्ठ रंगकर्मी अनिल शुक्ला ने कहा, डॉक्टर प्रणवीर ने अपने पिता स्वाधीनता सेनानी ठाकुर उल्फत सिंह चौहान की विरासत को और अधिक समृद्ध किया, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर प्रणवीर चौहान की पुत्री डॉक्टर सुनीता चौहान ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पापा की स्मृतियों को संजोए रखने का यह परिवार प्रयास कर रहा है ताकि समाज को एक दिशा मिलती रहे। स्मृति ग्रंथ के संपादक आदर्श नंदन गुप्ता ने बताया कि 110 पृष्ठ के इस ग्रंथ में 75 से अधिक लेखकों के विचार प्रकाशित किए गए हैं। इसके बावजूद बहुत सारे लेखकों की भावनाएं अभी भी प्रकाशन की प्रतीक्षा में हैं।
जिन्हें आगामी वर्षों में प्रकाशित करने की योजना है। इस ग्रंथ का मुद्रण राष्ट्रभाषा प्रेस ने किया है। अतिथियों का स्वागत गीत लखेंद्र सिंह सोलंकी, डॉक्टर रीता कश्यप, कुमुद कान कश्यप, सीमान सिंह आदि ने किया। प्रारंभ में सरस्वती वंदना वरिष्ठ कवि सुशील सरित ने प्रस्तुत की। डॉक्टर अरविंद मिश्रा, महेश शर्मा, डॉक्टर शशि तिवारी, शलभ भारती, अशोक अशु आदि ने विचार व्यक्त किए। संचालन श्रुति सिन्हा का रहा। मून न्यूज़ के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।